हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं भी नहा वहा के फ्री हो चुकी हूँ। मेरा घर का भी सारा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरा बेड वेड सब क्लीन हो चुका है, मैंने झाड़ू पोछा भी लगा दिया है। मेरी फ्रेंड का काम था किचन साफ करना और बर्तन वगैरह धोना, तो उसने वो भी कर लिया है। वो सुबह का चाय नाश्ता भी वही बनाती है, पर वो उससे किसी काम से थोड़ा जाना पड़ा तो वो गई है। तो मैं आज चाय नाश्ता मैं बना रही हूँ, फिर वो आके खाना बनाएगी। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि आप मेरा यार वो पूरा चाय चढ़ा के मैं आपसे बात करने लग गई थी तो मेरा चाय पूरा गिर गया। तो आप देख सकते हैं यार दोस्तों क्या चीज़ हो गया मेरे साथ, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। बस दो मैं सेकंड भर के लिए ही गई थी, बस चढ़ा के मैं आपसे बात कर रही थी कि आपसे बात करते करते मैं चाय आपको दिखाऊंगी फिर बनते हुए, उसी में नहीं पता मैं जैसे मैंने कैमरा मोड़ा आपको दिखाने के लिए वैसे देखा कि मैंने ये निकल के भाग रहा था, तो मैं फटाक से कैमरा बंद करके सबसे पहले से बंद किया मैंने, तब फिर मैंने आपको दिखाया कि ये हो गया यार ये कांड, दिमाग ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, होता है ये सब। चलिए मैं फिर से इसका गैस ऑन कर देती हूँ। और आप देख सकते हैं आज मैंने ये ऑमलेट, मैं ऑमलेट बनाऊंगी अपने लिए। मेरी फ्रेंड का कॉल आ चुका था कि वो आ रही है, हम लोग भी डिसाइड हो गया था कि जब वो कॉल करेगी तो मैं फटफट चाय नाश्ता वगैरह रेडी करूंगी। तो मैं अभी मैंने चाय चढ़ा दिया है, अपने लिए ऑमलेट बनाऊंगी और चाय बिस्किट निकालूंगी, वो आती होगी। और वैसे वो सुबह सुबह किसी से मिलने गई, मुझे तो शक हुआ किसी वो लड़के से तो नहीं मिलने गई। फिलहाल इसका पता तो मैं यूँ लगा लूँगी, अगर ये डेली डेली उसका ये रूटीन हुआ ना कि वो कहीं जा रही है बार बार, तो मैं यूँ चुटकी में लगा लूँगी। तो फिलहाल तो वो तो मैं पता करती रहूँगी। तो अभी फिलहाल मैं चाय नाश्ता रेडी कर देती हूँ, तो फिर से देखिए मेरा फिर से ये गिरेगा, ये ऐसा ना हो। तो बाद में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। हे दोस्तों, तो मैंने फाइनली चाय को अच्छे से उबाल लिया और उसको उस गैस में मैंने डाल दिया है और मैंने तवा को चढ़ा दिया जिसमें मैं अपना ऑमलेट बनाऊँगी। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आपने कभी चाय चढ़ा दिया और दो सेकंड के लिए ही आपकी नज़र इधर हुई और वो अपना अपना कार्यक्रम दिखा दे, या आप दूध जला रहे हैं, जब तक आप निगरानी रखे रहेंगे तब वो इधर से उधर नहीं हिलेगा, और ज़रा से आप दो सेकंड के लिए इधर से उधर पैर रखेंगे और वो उछल के भाग जाएगा। ऐसा आपके साथ होता है क्या? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, मेरा तो दिमाग ख़राब होता है यार ये जो इसका नाटक आटक होता है यार। तो चलिए मैं अपना ऑमलेट बनाती हूँ, मैं क्यों अपना गुस्सा उतारूँ, मैं मस्त ऑमलेट बनाती हूँ और अपना ऑमलेट आपको दिखाती हूँ। आज का यार मेरा दिन ही लगता खराब है, ये ऑमलेट को क्या हुआ अब बताओ यार, अभी ये क्या कांड है, अभी ऐसा कोई ऑमलेट खाता है अब बताओ, ऐसा कोई ऑमलेट खाता है? और आज तक मेरे सामने एक भी ऑमलेट नहीं खराब हुआ आज तक का। दोस्तों रिकॉर्ड रहा है कि मेरे से ऑमलेट भला टूटा हो, लेकिन देखिए आज का दिन ही नहीं पता कौन सा मनहूस दिन है, ये डिलीवरी बॉय का मैंने शक्ल देख लिया था इसलिए मेरे साथ ये हुआ है। मैंने डिलीवरी किया था, मैं बता दूं आपको, मैंने फ्लिपकार्ट से मैंने डिलीवर किया हुआ था, साड़ी मैंने मंगवाई थी। एक तो कप का मैंने मंगाया था, एक तो लेट साड़ी उन्होंने पहुँचाया, फिर एक तो गंदी साड़ी उन्होंने दिया, फिर गंदी साड़ी देने के बाद उन्होंने मैं रिटर्न ही लेने इतना लेट आया जबकि डेट निकल चुकी है रिटर्न लेने की, नहीं आया था। फिर मैंने अप्लाई किया, कंप्लेन अप्लाई किया, मैंने कस्टमर कॉल में कॉल करके बात आत किया, तब जाके वो आ जाए। आज भी वो दो ही साड़ी लेके गए, बाकी साड़ी लेके नहीं गए हैं। मैंने फिर उसके बाद भी मैंने अमेजोन से भी साड़ी मंगाया है, तो दो साड़ी आ चुकी है, बाकी साड़ी और आएगी। और मैंने एक लाइट भी फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, वो लाइट भी लेने नहीं आया, मुझे लगता है उससे हफ्ते से ऊपर हो गया, वो अभी तक लेने ही नहीं आया। वैसे मैंने उसकी भी कंप्लेन अप्लाई कर दी है, उसने बोला था आके लेके जाएगा लेकिन अभी तक लेके नहीं आया है। तो आया था वही साड़ी लेने, तो मैंने उसकी शक्ल देखी है सुबह सुबह कि वैसे मेरे साथ ये दिन ऐसा हुआ। मेरा नाश्ते में ना आज मेरा चाय उबल उबल के भाग गया, मेरा ऑमलेट की अब दशा देख लीजिए क्या हो गई है। कोई बात नहीं, खाना तो खाना होता है, फिर भी
मतलब खाना तो खाना होता है, पेट में से जाना होता है, तो कोई बात नहीं, खा लेंगे हंसते हंसते। तो चलिए मैं आपको नाश्ते में मिलती हूँ या नाश्ते के बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये हम नाश्ता करने जा रहे हैं, टूटे फूटे ऑमलेट और आधे आधे अधूरे चाय के साथ। मैंने अपनी फ्रेंड का कप पूरा भर दिया है क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने चाय पूरा बेकार कर दिया। तो मैं, आप देख सकते हैं, मैं ये बचा कुचा चाय मैं पीऊँगी और फुल वाला मैं अपनी फ्रेंड को दूँगी क्योंकि ये मेरी सज़ा है और मैं इतना ही पीऊँगी। दोस्तों तो अब मैं जा रही हूँ बढ़िया चाय नाश्ता करने, सुबह का टाइम अभी ऐसे इन्जॉय करिए। अब मैं आपको देखती हूँ, कुछ वो होगा तो मिलती हूँ, नहीं तो नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था ना और मैंने जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। ये देख सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो मैंने एक साथ चार साड़ी ऑर्डर किया था, ठीक है ना, लेकिन लेके जब रिटर्न करने का टाइम आया तो वो दो दो करके लेके जा रहे हैं और बोलते हैं कि आपने अलग अलग ऑर्डर किया था। अरे भाई, मैंने एक साथ ऑर्डर किया था, अलग अलग साड़ी ऑर्डर किया था और एक पैकेट में ही आया था, जब जाते टाइम दो दो लेके जा रहे हैं। और ये मैं दिखा देती हूँ लाइट, ये देखिए लाइट भी है, ये भी अभी तक लेके ही नहीं जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से साड़ी मंगाई थी, ये मैंने अमेज़ॉन की साड़ी है, ये मैंने मंगाई थी अमेज़ॉन की साड़ी, अभी दो आई हुई है और बाकी धीरे धीरे आएगी। और मैं आपको ना इस लगे हाथ ना आपको मैं अपना अलमारी दिखा देती हूँ, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैंने ये अलमारी भी ऑनलाइन मैंने मंगाई थी। क्या है कि हम लोग के ना रूम में बिल्कुल भी रैक्स या रैक कहो या फिर सेल्फ कहो बिल्कुल था ही नहीं, तो हम लोग कपड़े रख ही नहीं पा रहे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लगेज में ही हमें रखना पड़ा था, लगेज से ही निकालना पड़ रहा था, तो बहुत दिक्कत जाती थी। तो हम लोग ने फाइनली ये वाला सेल्फ, ये इसको मैंने अपने स्टॉल से ढक लिया, ये ऐसा है, देख सकते हैं ये ऐसा है, आपको मैं दिखा दूँ, ये ऐसा है। तो इसे हमने ख़रीदा और इससे कम से कम काम चलाओ बढ़िया हो गया है, तो हमने बना लिया है इसे। तो मेरे ऑफिस निकलने का टाइम हो चुका है, खाना बन चुका है, मेरी फ्रेंड आई थी, हम लोग नाश्ता करके, उसने फटफट खाना ना बनाया, कोई आया हुआ है दोस्तों। तो फिर से अभी फ्लिपकार्ट वाला आया था, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही वही लेके गया था और इसी बात पर उनको आर्गूमेंट भी हुई थी, फिर दोबारा फिर वही आया। और तो फिर मैंने बोला कि भैया क्या मतलब दोबारा, पर फिर थकना पड़ा, फिर आना पड़ा। उसने बोला कि क्या करें मैम, उनकी तरफ से ही फिर वो मैसेज आया तो मुझे दोबारा आना पड़ा। तो जस्ट मैं अभी गाली ही बक रही थी उनको और वो जस्ट अभी आके मेरा फ्लिपकार्ट फाइनली वो लेके गए, फाइनली फ्रस्ट्रेशन कम हुआ यार। तो कब से रखा था, मुझे डर लग रहा था कि वापस लेके जाएंगे भी कि नहीं लेके जाएंगे भी, मेरा पैसा ही फालतू अटक जाएगा, फालतू सामान मेरे पास पड़ा रहेगा। तो मैं आपसे क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी ना कि मैं, हाँ, मैं ऑफ़िस जाने वाली हूँ। तो मैं, मेरी फ्रेंड ने खाना बना दिया है, खाना बना के रख दिया था उसने सारा, आज उसने बनाया है चावल सोयाबीन की सब्ज़ी, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपने देख लिया कि मेरा खाना लग गया है, अब मैं इसे फटाफट खाऊंगी और खा के हम लोग ना फटाफट निकलेंगे ऑफ़िस के लिए, हमको निकलना होगा। तो दोस्तों मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, फिर खा के मैं, हम लोग को ऑफ़िस निकलना है, तैयार वैर होके भी ऑफ़िस निकलना है। तो मैं अब आपको शाम को मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो मैं आज ऑफ़िस से आने के बाद डायरेक्ट आप लोग से नहीं मिल पाई क्योंकि मेरा आने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था और घर में बहुत काम थे और ऑफ़िस के भी थोड़ा काम था, उसमें भी करने में बिज़ी हो गए थे। आप मेरा शक्ल देख के जान ही गए होंगे कि मेरे मुंह पे मेकअप लगा है, मैं अभी जस्ट शॉर्ट अपना कंप्लीट करके फ्री हुई हूँ और अभी अभी 12 बजने वाले हैं, 11:30 तक वैसे कंप्लीट हो गया था, फिर हम लोग अपना कुछ काम हम करने में लगे थे तो अभी 12 बज गए हैं। तो अब हम जाएंगे फटाफट कुकिंग वुकिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना लेट हो जाता है ऑलरेडी, तो इस कारण मैं आप लोग से मिल भी नहीं पाई। तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ा अपना मेकअप वेकअप उतारूंगी और फटाफट खाना ना बनाऊंगी, तो मैं आपको खाने पे डायरेक्ट मिलती हूँ, तब के लिए बाय बाय। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि मेरा पराठा बन रहा है, बस ये मेरा लास्ट पराठा ही बचा हुआ है।
तो मेरा देख सकते हैं आप कि मेरा ये पराठा वराठा सब बढ़िया तरीके से बन गया है। मैंने मेकअप वेकअप नहीं उतारा, हम लोग को भूख लगाई थी, मैंने सोचा पहले हम लोग बना के खा लेते हैं, फिर उसका मेकअप तो अपना उतरता रहेगा भाई। भूख भी पेट भी चीज़ है, भूख भी लग रही है, रात के 1-2 बज रहे हैं। और तो मेरा फाइनली पराठा हो गया है, तो चलिए मैं आपको आपको दिखा देती हूँ। मेरे पराठे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं किचन की हालत क्या है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने किचन की हालत कर दिया है मैंने। अब मैं आपको सब्जी भी दिखाती हूँ, ये मेरी सब्जी बन गई है। तो ये जो किचन की हालत मैं ऐसे करके हम लोग मैं सो जाऊँगी, और फिर यही सुबह मेरी फ्रेंड सभी सब साफ़ सफाई करती है, उसके बाद ही हम चाय नाश्ता या जैसे वो करते हैं। तो चलिए मैं आपको खाने पे मिलती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा खाना लग गया है, अब मैं खाने जा रही हूँ, तो मैं आप लोग के साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। आप देख सकते हैं कि ये जो है ना दम आलू है, ये मैंने दम आलू बनाया था। तो ये मैं तो खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, आपको भी खाना है तो जाइए बनाइए, मुझे नज़र मत लगाइए। तो मैं आपको अब कल मिलती हूँ, अभी मैं सोने तो नहीं जाऊँगी, मुझे एडिटिंग वगैरह का काम है, अभी मुझे और काम करना है। तो मैं आपसे अब मिलती हूँ कल। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे, अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।